हिंदू तथा कथित त्योहार भी है जिसे आप लोग जन्माष्टमी मानते हैं। और आज ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन श्री कृष्ण पैदा हुए थे। अब आप सभी लोग, मैं यहाँ कोई नया चेहरा नहीं हूँ, पहले भी आता रहा हूँ, क्या आप में से कोई भी ये चाहता है कि आपकी बेटी राधा बने, आपका बेटा कृष्ण बने? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। इसलिए ऐसे तथा कथित देवी देवताओं को, जिनके कारण आपके अंदर भय बैठाया गया, उनको दूर निकालकर एक ऐसे ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रतीक, जिन्हें प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है, बुद्ध को स्थापित किया गया है। दूसरा कारण हमारे रविदास गुरु घर जो है और बुद्ध शिक्षा विहार जो था, उसको तोड़ा गया। अगर हम हिंदू नहीं हैं या हिंदू हैं तो हमारे ही मंदिर को क्यों तोड़ा गया, हमारे गुरु घर को क्यों तोड़ा गया? हमने कहा, लेकिन बाबा साहब ने आपसे पहले ही कहा था, बाबा साहब ने लंदन में एक बात कही थी कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। अगर बाबा साहब के द्वारा ये सिद्ध हो जाता कि मेरे लोग भी हिंदू हैं तो हमें अलग से अधिकार नहीं मिलते, लेकिन बाबा साहब ने वहाँ ये कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं, यानी कि बाबा साहब भी हिंदू नहीं थे और तुम भी हिंदू नहीं हो। तुम्हें बहकाया गया, पहले जब अनपढ़ थे तो काला अक्षर भैंस बराबर, आपने को जो बता दिया वो ठीक है। आज आप पढ़ने लिखने लायक हैं, आप पढ़ के कह देते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, लेकिन आज आपको पता चल गया कि वो सभी काल्पनिक हैं और इस दुनिया के वैज्ञानिक बुद्ध को यहाँ स्थापित किया गया है। और आने वाले वक्त में यहाँ, जैसा भंते जी ने अभी बताया, सभी लोग आएंगे, पुष्प यहाँ बुद्ध को चढ़ाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और किसी प्रकार का पाखंड नहीं करेंगे। आपके घर से, आपके दिमाग से, आपके विचारों से वो पुरानी मानसिकता निकल गई है। नई मानसिकता ये है कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अनपढ़ रहने वाला व्यक्ति चाहे कितने मंदिर चले जाओ, चाहे कितने तीर्थ कराओ, कभी कलेक्टर नहीं बनेगा। कलेक्टर वो बनेगा जो कभी मंदिर ना गया हो और स्कूल गया हो। इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तभी बाबा साहब और बुद्ध की बात बनेगी, आगे बढ़ेगी। इसलिए सम्मानित साथियों, ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से उन्हें निकाल कर बुद्ध की शिक्षाओं को करें। अपने घर में, मैंने पहले भी कहा था जब मैं पहले आया था, किसी के घर में जन्मदिन है, बच्चे का नामकरण है, बच्चे का कोई शुभ अच्छा कार्य है, गृह प्रवेश है, भंते जी को बुलाइए, अच्छे अच्छे वक्ताओं को बुलाइए, क्योंकि अगर आपको कोई अच्छी चीज मिलती है तो आप सबसे पहले अपने घर ले जाते हैं। इसी तरीके से अच्छे विचारों को अपने घर में लाइए। हर हफ्ते एक भंते जी को अपने घर खाना को बुलाइए कि भंते जी हमारे घर खाना खाने आइए, संडे को या शुक्रवार को, सोमवार को, कोई भी दिन भंते जी आपके घर खाना खाने आएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताकर जाएंगे। उससे आपके परिवार में शिक्षा की उन्नति होगी और शिक्षा की उन्नति होगी तो आपका घर प्रगति की ओर उन्नत सर, प्रगति सर होगा। इसलिए सम्मानित साथियों, आज आपने एक ऐतिहासिक काम किया है। बाबा साहब की जो बात थी कि आपको हिंदू धर्म छोड़ना है, बौद्ध धर्म अपनाना है, इसके साथ साथ कभी फिर मौका मिलेगा। आज ये प्रतिमा बड़े भाई बालक राम बौद्ध जी की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ दी गई है। एक बार इनके लिए साधु साधु तीन बार बोलकर इनके लिए की कामना करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।